I now request founder president of PIFAA, Sandeep Bhushetti, to introduce our second speaker for the evening, Mr. Hitesh Mali. Thank you, Harshvardhan. Namaskar, Punekar. Me, Sandeep Bhushetti, founder president PIFAA. आजच्या पीफा स्मार्ट मनीच्या पुढच्या सत्राकडे वळताना आता जे वक्ते येणार आहेत त्यांचा परिचय आपल्याला थोडक्यात करून देतो. हितेशभाई माळी हे सायन्स ग्रॅज्युएट MS युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात येथून झालेले आहेत. गेली 22 वर्ष फायनान्स क्षेत्रामध्ये त्यांनी फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. देशामध्ये परदेशामध्ये अनेक वेगवेगळ्या पदव्या त्यांनी फायनान्शियल फील्डमधल्या घेतलेल्या आहेत. साधारणपणे 1200 जास्त इन्व्हेस्टर अवेअरनेस प्रोग्राम त्यांनी भारतभर घेतलेले आहेत. मार्केट बिहेवियर, इन्व्हेस्टर बिहेवियर, ग्रोथ, बिझनेस प्लॅनिंग, ब्रँडिंग अँड मार्केटिंग अशा अनेक विषयांवर यांची महारत आहे. अशा डायनॅमिक पर्सनॅलिटीला मी स्टेजवर आमंत्रित करतो. जोरदार टाळ्यात आपण स्वागत करूया हितेशभाई माळी. Sir, stage is yours. Welcome, Hitesh ji. If you had just heard Nilesh ji speaking, and it was like a multi-star film with Samudra Manthan and Rajnikant and everything. Now be ready to listen to Hitesh ji for another blockbuster hit, I'm sure for that. Please, sir. Namaskar. Good evening. Sir, thoda. जो हिसाब से नीलेश भाई ने इंडिया ग्रोथ स्टोरी आपके सामने पेश कर दी वो हिसाब से मुझे लग रहा था कि जब भी मैं बोलूँगा नमस्कार गुड इवनिंग तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी. यही चीज़ है. मेरा नाम हितेश माली है. पूरे इंडिया में ट्रैवल करते रहते हम लोग. एवरी डे शाम को कोई एक सिटी में ऐसी बात करना ये मेरा प्रोफेशन है. आज मैं ICICI म्यूचुअल फंड को प्रेजेंट कर रहा हूँ. दुख की बात ये है कि पूरे विश्व में आप कहीं पर भी जाओ तो सिर्फ एक ही देश का नाम गूंज रहा है. वो देश का नाम है भारत. और ये क्यों गूंज रहा है? हम सब ने कॉमर्स सब्जेक्ट में एक चीज पढ़ी है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ROI अगर अच्छा चाहिए तो पूरे विश्व में एक ही देश है जिसका नाम है भारत, और ये देश का नाम गूंज रहा है. तो ये बहुत ही अच्छी बात है, प्राउड मैटर है. दुख की बात यह है कि यही देश में जब आप शाम को जब 7:30-8 बजे आप लोगों को गुड इवनिंग बोलते हो तो बहुत मायूसी वाला गुड इवनिंग बाहर आता है. दूसरी एक चीज हमने देखी है कि जब भी इंडिया की ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं तो मेरा ये डिस्क्लेमर भी है कि मुझे 60 मिनट्स दिया गया है. 9 बजे का तो आप ऑडियंस में से कोई मुझे ऐसे बाय बाय का मैसेज दे सकते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा मेरा 60 मिनट खत्म हो गया. मेरा डिस्क्लेमर यही चीज का है कि मेरे प्रेजेंटेशन को आप गलती से भी कोई भी पॉलिटिकल व्यू के साथ अटैच मत कर लेना, क्योंकि इंडिया में मैंने ऐसा एक देखा है कि जब भी आप बात करते हो कि देश बहुत आगे जाएगा, अगले 15 साल में देश में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो 90% मेरी ऑडियंस समझती है कि शायद ये भक्त कैटेगरी वाला है. ये देश के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और मैं एवरीडे ट्रैवल करता हूं. लास्ट ईयर मैंने 115 सिटीज टाउन में ट्रैवल किया है. बहुत सारे लोगों को मैं मिलता रहता हूं. मैंने एक ही चीज समझ के रखी है कि अगले 15 साल ये देश के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ ये देशवासियों को ये चीज मालूम नहीं है. दूसरी सीरियस प्रॉब्लम क्या है? आज की जो हमारी सेशन है इज ऑल अबाउट ए म्यूचुअल फंड. हम लोग इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो आज मेरा प्रेजेंटेशन रख देना. हम कहीं पर भी ट्रैवल करते रहे तो हमने एक चीज देखी है कि इंडिया मींस इन्वेस्टमेंट, हमने ये टाइटल बना के रखा है. सीरियस मैटर क्या है कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओ तो इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ही चीज हमें पूछते हैं, और कौन सी की चीज होती है? वो मार्केट क्या लगता है. और आजकल इलेक्शन ईयर तो एक दूसरा भी एक क्वेश्चन ऐड हो चुका है अंदर कि 2019 में कौन जीतेगा. जब भी मैं ट्रैवल, लास्ट ईयर हम लोग बिहार साइड थे, झारखंड में मेरे लेक्चर्स थे सब, वहां पर भी मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो इन्वेस्टर मुझे एक ही चीज पूछ रहे थे, मार्केट क्या लगता है 2019 में क्यों जीतेगा. मैंने उनको मैसेज दिया कि ठीक है, ये चीज का मुझे आंसर तो मैं आपको आराम से दे सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको क्यों जानना है कि मार्केट क्या होगा, 2019 में कौन जीतेगा.
तो इन्वेस्टर बोल रहा है कि नहीं, मेरा 15,000 रुपये का एक SIP चल रहा है। 15,000 के SIP वाले को ये चीज़ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जी जितना जानने जाओगे इतनी ज़्यादा परेशानी आएगी। और मेरी लाइफ ऐसी है, मैं कोई भी फंक्शन में जाता हूँ, अच्छे फंक्शन होंगे या बुरे फंक्शन होंगे, दुख वाले फंक्शन होंगे, अच्छे शादी वाले भी फंक्शन होंगे, मेरी बाजू में जो खड़ा रहेगा ना, वो धीरे से मुझे एक ही चीज़ पूछता है, हितेश फिर फाइनली मार्केट क्या लगता है। दुखी कोई दुख का भी प्रसंग होगा तो लोग वहां पे भी मुझे वही पूछ ले। पहली बार मेरी जिंदगी में, मेरा 25 साल का करियर हो गया बोलते बोलते, बहुत सारे लोकेशन पे ट्रैवल कर लिया, पहली बार आज से 4 महीने पहले मेरा बड़ौदा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ एक लेक्चर था। संडे मॉर्निंग लेक्चर खत्म हुई, संडे शाम को एक डॉक्टर साहब का कॉल आया कि हितेश मुझे आपको मिलना है। ऐसे इवेंट के बाद अगर कोई भी क्लाइंट कॉल करता है तो हमें अंदर से अच्छा लगता है कि चलो भाई आज चेक जल्दी मिलने वाला है। उन्होंने बोला कि सबसे आप जल्दी से जल्दी कब मिल सकते हो, सो वी हैव डिसाइडेड कि मंडे मॉर्निंग 9:00 हम मिल लेंगे। 9 बजे ऑफिस में आ गए, 40 से 50 साल के बीच का डॉक्टर का एज होगा, मेरे सामने बैठे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात स्टार्ट की। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे देखा है कि इन्वेस्टमेंट कभी भी प्रिडिक्शन से नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से होता है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ए प्रिडिक्शन, म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट ए प्लानिंग। दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, वन इज अ एक्टिव एंड सेकंड इज अ पैसिव। स्टॉक मार्केट में काम करने वाला एक्टिव इन्वेस्टर कहलाता है और म्यूचुअल फंड में काम करने वाला आदमी पैसिव होता है, जिनको ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं है कि मार्केट क्या लगता है। वी हैव टू फोकस मोर ऑन प्लानिंग। सो मैंने डॉक्टर साहब को पूछ लिया कि मुझे दो चीज आपके पास से समझनी है, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, और दूसरा मैंने उनको पूछ लिया कि आपकी टाइम पीरियड क्या है, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हो। और ये सबसे जरूरी है, दो ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टाइम। जब मैंने उनको पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा तो दूसरी मिनट में उन्होंने बताया कि हितेश मुझे एक पेन पेपर दे दो, मैं दोनों आंसर यहां पे पेपर पे ऊपर लिख देता हूं। जब पेपर उन्होंने उठाया और पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिखा, उसके बाजू में उन्होंने लिखा था कि पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पीसफुल डेथ। मेरी 25 साल की करियर में मैं लैक्स ऑफ इन्वेस्टर को मैं मिल चुका हूं। पहली बार एक इन्वेस्टर ने मुझे दिल से हिला दिया। वो बंदे ने लिखा एट एज ऑफ 45 कि मेरी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट का मकसद है पीसफुल डेथ। और बंदे ने एक ही चीज समझाई कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा फैमिली भी अच्छा खासा अच्छी सारी जिंदगी जी रहा है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये काम मैं आराम से कर सकता हूं, पीसफुल लाइफ। बट मुझे क्या चाहिए, पीसफुल डेथ। ये वर्ड ने मुझे हिला दिया। फिर हमने डिसाइड किया कि बॉस बाजार को जानने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी खुद की लाइफ को समझा कि अगर आज मुझे कुछ होता है तो उसके बाद मैं पूरी जिंदगी एक ही चीज के पीछे भागता रहता हूं कि म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा रखा तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, बैंक मुझे 7% दे रही है तो मैं 10% कहां से कमा लूं, 12% 15%, मेरी जिंदगी इसमें निकल जाती है। फिर हमने उसके ऊपर स्टडी कर लिया कि एक्चुअली पीसफुल डेथ होती क्या है। फिर मुझे समझ में आया, अभी तो हम लोग इसके ऊपर पूरा एक सेशन लेने वाले हैं कि पीसफुल डेथ और पीसफुल लाइफ। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं, हमें और समझ में आएगा। और ये क्यों सीखना रहेगा, आज से 15 साल पहले ये देश ज्वाइंट फैमिली के लिए पॉपुलर था, एक घर में 15-25 लोग रहते थे, सुख और दुख साथ में मिलकर बांट लेते थे। आज ये देश हो गया है न्यूक्लियर फैमिली, और उसमें भी और आगे चले जाओ। मेरा एक क्वेश्चन है, पुणे में आपका लड़का या लड़की एक बार फर्दर एजुकेशन या करियर ग्रोथ के लिए पुणे छोड़ के गए, कितने परसेंट चांसेस है वो वापस आएंगे, कितने परसेंट चांसेस है, 0%। सर मेरा एक ही लड़का है 21 साल का, अभी BBA कंप्लीट कर रहा और MBA में अभी एडमिशन की सब कोशिश चल रही है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी से MBA करोगे, उनका रिप्लाई था वो मेरे लिए शॉकिंग था। 21 साल का लड़का बोल रहा है कि MBA कौन सी कॉलेज से करूंगा वो मुझे मालूम नहीं है, बट बड़ौदा में रहकर नहीं करना है मुझे। और मुझे, मैं बड़ौदा गुजरात से हूं, और मुझे एक चीज समझ में आ रही है
कि एक बार अगर उसने बड़ौदा छोड़ दिया तो वापस आने के चांसेस बहुत कम है। तीसरी सीरियस मिटा, आप देख लो कि हम लोग कैसी स्ट्रेटेजी पर जा रहे हैं। आज फैमिली दो लोगों का फैमिली हो गया है, और उससे भी और सीरियस मैटर, इंडिया में जब सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक कंप्लीटली ए सेगमेंट डोमिनेटेड बाय द मैन, फादर या हस्बैंड ही इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है, इंडिया का ट्रेडिशन है। जब फीफा वाले ऐसे इन्वेस्टमेंट और ऐसे इन्विटेशन बांटते हैं, मैं एवरी टाइम उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 साल से ऊपर का लड़का या लड़की है आपका, आपकी भाई, आपके बहन, आपकी बीवी को ऐसे इवेंट में लेकर आओ, क्योंकि अभी हम लोग ज्वाइंट पैसा कमाना प्रॉब्लम ही नहीं है अगले 15 साल में। हाउ टू मैनेज योर वेल्थ, दैट विल बी अ की प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। ये देश बहुत आगे बढ़ेगा, सो पैसा तो बनने ही वाला है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, समझ में आएगा कि जिंदगी कैसी बीतती है। दिल्ली में एक इन्वेस्टर को मिला, आज से 4 साल पहले उनको 1 करोड़ रुपए का एफडी करना था। एफडी करना था तो किसी अच्छे कोई बंदे ने बोल दिया कि अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम पर एफडी कर दो, कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? 1%। 1 करोड़ का 1% काफी अच्छी अमाउंट होती है। तो उन्होंने अपने फादर के नाम पर 1 करोड़ का एफडी कर लिया। 4 साल से 1% ज्यादा मिल रहे थे, जिंदगी चल रही थी। 6 महीने पहले फादर एक्सपायर्ड। आज वो बंदे का भाई बोल रहा है, उनकी बहन बोल रही है कि ये जो 1 करोड़ की डिपॉजिट है वो तो फादर की है, तो हम सबको हिस्सा तो। और इंडियन लीगल सिस्टम क्या बोल रही है? जिंदगी में कैपिटल के ऊपर उन्होंने 1% ज्यादा ले लिया, बट आज उनका 60% कैपिटल एक रिस्क पे आ चुका है। माय ओनली मैसेजेस, आज डिजिटल वर्ल्ड में हम एंटर हो चुके हैं। आप म्यूचुअल फंड के भी जब फॉर्म्स भरते हो, काफी बार हम टिक भी लगाते हैं कि अभी हमें फिजिकल डेटा नहीं चाहिए, हमें कौन सी चीज चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसका मतलब क्या होगा कि आपका सही डेटा आपके ईमेल आईडी पर आएगा। यहां पे कितने लोग ऐसे बैठे हुए कि आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड आपके घर वाले को मालूम है? कितने लोगों को? एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस मैटर। मोबाइल में आप वाइफ का नंबर सेव करते हो, बट मोबाइल पासवर्ड से लॉक होता है। हमने ऐसे ऐसे केस देख लिए है, और मेरी जिंदगी निकलती है इन्वेस्टर के साथ। मैं लोगों को नजदीक से देखता हूं। डोंट ट्रीट म्यूचुअल फंड ओनली फॉर द रिटर्न, म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट ए प्लानिंग। दूसरे एक इन्वेस्टर को मिला, ये दुख की बात नहीं है, सुख की भी बात आती है। पीसफुल डेथ कौन सी होती है? 90 ईयर्स का बंदा, 90 साल का, वाइफ की एज 81 ईयर, उनके कोई बच्चे नहीं है। 90 साल का हेड, 81 ईयर्स की उनकी वाइफ। जब मैं उनके घर में एंटर हुआ तो पूरे उनके मकान के बंगलों के ऊपर कलर काम चल रहा था, पेंटिंग हो रही थी, घर के अंदर भी पेंटिंग हो रही थी। जब मैं अंदर तो क्यूरियोसिटी से जाके मैंने पूछ लिया कि अंकल कोई फेस्टिवल या तो कुछ फंक्शन आ रहा है? बोले नहीं यार हितेश, ऐसे भी घर में कुछ कलर करा लेते हो ना तो जिंदगी जीने में कुछ मजा ही अलग होता है। घर में जब एंटर होते हैं ना तो नई नई सी जिंदगी लगती है। सर 90 साल का आदमी, बच्चे नहीं है, आज भी वो पेंट करा रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग इतनी सही है। जनरली इंडिया में अगर 70 ईयर्स के ऊपर के इन्वेस्टर को मिलने जाओगे तो कभी वो कलर काम नहीं कराएगा, क्योंकि वो सोचता है कि कलर 4 साल टिकेगा। मैं सर 90 साल में वो आदमी पेंट करा सकता है ना, अपनी जिंदगी की खुशी ले रहा है बिकॉज ऑफ पीसफुल डेथ। सर पीसफुल डेथ के बारे में जब मैंने समझा तो मुझे समझ में आ गया, सर जो दिन मैंने सीखा ने आज इंडिया में प्रॉब्लम क्या है। मैंने मेरी वाइफ को जाके एक दिन बिठा दिया, मैंने एक ही चीज उसको बोल दिया कि कल उठ के मुझे कुछ हो गया, मैं एवरीडे भागता रहता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत पैसा कमाने की कोशिश करता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहा हूं, बट आज मेरे हर एक ईमेल के पासवर्ड मेरे पास है, मेरे बैंक के अकाउंट के हर एक पासवर्ड मेरे पास है, म्यूचुअल फंड्स के मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, शायद उनको नहीं भी मालूम रहेंगे कि मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट कहां पे लगा हुआ है। और इंडिया का सबसे सीरियस मैटर क्या है, बीवी को अगर आप बिठाते हो और जैसे ही बोलोगे कि चलो आप बैठ जाओ, कल से मुझे कुछ हो गया, पहला लाइन ही कौन सा है, कल अगर मुझे कुछ हो गया, तो आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी देखनी चाहिए, जैसे ही समझाओगे
पूरा डिस्कशन रॉन्ग ट्रैक पर जाएगा. बीवी बोलेगी आपको कुछ हो रहा है, ऐसा हो तो अभी कोई डॉक्टर को मिलने जाते, ऐसी आप बुरी बुरी बातें क्यों करते हो. बट माई मैसेज इज ऐसे सेमिनार में लेकर आओ, 12 साल से ऊपर का बेटा है बेटी थैंक्स टू फीफा के एक काम कर रही है, एवरी 3 महीने में ऐसी एक इवेंट कर रही है. आपकी वाइफ को भी सिखा लो, अगर आपको कुछ होगा इट्स ऑल अबाउट ए प्लानिंग. मैं तो मेरे 21 साल के बच्चे को सिखाता हूं कि बेटा तू मेरे पासवर्ड तो कम से कम लिख के रख. मेरी इसलिए मैं बोलता हूं आपका एडवाइजर बहुत जरूरी है और बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो पीसफुल डेथ बहुत डिफिकल्ट होगी. मैंने तो घर पे बोल के रखा है कि अगर मुझे कुछ हुआ और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो एडवाइजर के घर पे चले जाना, क्योंकि वहां पे सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा. उनको एजुकेशन दो. दिस प्रोग्राम इज नॉट अबाउट ए मार्केट क्या लगता है, दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट ए मेरी जिंदगी को मुझे कितनी खूबसूरत करनी है. ये जब तक नहीं सोचोगे ना आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा. और दूसरी चीज, मेरे यहां पे जितने भी एडवाइजर भी बैठे हैं उनसे मेरी एक विनती है कि आप जब भी क्लाइंट को भी मिलने जाते हो ना अकेले मिलो ही मत, उनको बोला आपकी फैमिली को साथ में बिठा दो. आज तक का मेरा ये मार्केट का एक्सपीरियंस बता रहा है कि अगर अकेले बंदा डिसीजन लेता है और पूरा फैमिली मिलकर जहां पर डिसीजन हो रहा है उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे. दोनों के लिए मार्केट सेम है, बट जहां पे फैमिली मिलकर डिसीजन ले रहे हैं वहां पे जो नीलेश भाई ने बोला ना ये साल ऐसा होने वाला है, तब भी फैमिली मिलकर अगर डिसीजन लेंगे ना तो बहुत आसानी होगी. काफी इन्वेस्टर मुझे मिलते बोलते हितेश मैं तो रेडी हूं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए, बट घर से मना कर रहे. घर से क्यों मना कर रहे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी इन्वेस्टमेंट सीखा नहीं है. इन्वेस्टर एक ही चीज बोलता है कि यार हितेश ठीक है बैंक एफडी से ज्यादा मिल सकता है म्यूचुअल फंड में, मैं तो रेडी हूं, बट घर से रेडी नहीं है. और एक बार क्या है रिटर्न कम हुआ तो चलेगा, बट वो घर पे रोज सुनना पड़ता है ना, दैट इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग. काफी लोग म्यूचुअल फंड को वही इसी से अवॉइड कर रहे. माय ओनली मैसेज इज कि दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड का. और एक सीरियस प्रॉब्लम समझो, मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूं, आज यहां भी चेक करते कितने लोगों ने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड खरीद लिया है. दिल से जवाब देना, हां सर ओके थैंक यू वेरी मच, सब लोगों ने अभी इन्वेस्ट कर लिया. आई नो इंडिया में म्यूचुअल फंड ऐसे ऐसे रहते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, डेट फंड, इक्विटी सेविंग, बैलेंस फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनामिक फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, थेमेटिक एंड फाइनली द ELSS. म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, अभी मैं एक लेडी को मिला, वो लेडी ने ऐसा मैसेज दिया हितेश मैंने ऑलरेडी 50 लाख म्यूचुअल फंड में रख दिया और मैं कितना रखूंगी. और सब लोग बोल रहे हैं कि सब पैसा एक एसेट में नहीं रखना चाहिए. इन्वेस्टर को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि म्यूचुअल फंड ऑफकोर्स एक एसेट है, बस उसमें बहुत सारे आपके पास टूल्स है कि जहां पे आप रिस्क की मैनेजमेंट इजी वे में कर सकते हो. अगर आपको बाजार अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डेट फंड में थोड़ा रखो. बैलेंस एडवांटेज फंड एंड डायनामिक फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी इन द करंट मार्केट सिचुएशन. कि जहां पे बैलेंस कैटेगरी, बैलेंस फंड तो बहुत पॉपुलर होता है. बैलेंस फंड क्या होता है कि आपका 60-70% इक्विटी में रहेगा, 30-40% डेट फंड में रहेगा. बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे काम करेगा कि जब आपकी बाजारें ऊपर चली गई, वैल्यूएशन ऊपर चली गई, ऑटोमेटिकली आपका इक्विटी पोर्शन डाउन, और जैसे ही बाजार टूट गई ऑटोमेटिकली आपका इक्विटी अप. दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस. दीज आर द फाइनेस्ट कैटेगरी. बट इंडियन इन्वेस्टर, मैं ट्रैवल करता हूं लोगों को पूछता हूं कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा रखा है, मेरी 90% ऑडियंस हाथ खड़ी करती है यस हमने पैसा रखा है. फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है आपने कौन सी कैटेगरी में रखा है ये फंड में से. जनरली कलकत्ता से लेके अहमदाबाद तक, दिल्ली से लेके हैदराबाद तक, मैं जब इन्वेस्टर को पूछता हूं, इन्वेस्टर एक आंसर तो दे देता है मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा रखा है, बट जब मैं पूछता हूं कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में, कौन सी कैटेगरी में पैसा रखा है, तो पूरे इंडिया में मुझे एक ही आंसर मिलता है कि ये सब मुझे नहीं मालूम है, मेरे एडवाइजर को पूछ लेना, मेरे एडवाइजर को पूछ लेना. और फिर मैं पूछता हूं क्यों एडवाइज, बोले मेरा एडवाइजर बहुत अच्छा आदमी है, मेरे घर के बाजू में ही रहता है, मेरा एडवाइजर का ऑफिस और मेरा ऑफिस एक ही है बाजू बाजू में. सी दीज आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया इन इंडिया. बोले मैं और वो साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स के ऐसे ऐसे ट्रस्ट रखना बहुत अच्छी बात है. बट बाय द वे पुणे में क्या हाल है ये भी चेक कर लेते ना, यहाँ के क्या हाल है, यही है ना,
पूरे इंडिया में ट्रैवल करो, काफी इन्वेस्टर तो और स्मार्ट होते हैं, बोले मेरा एडवाइजर आता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ चेक पर साइन करता हूं बस। इज दिस सीरियस मैटर, यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है तो समझा देता हूं। लेट से 3 दिन की छुट्टी आ रही है, और इंडियन आजकल क्या करता है, 3-4 दिन का छुट्टी मिलता है कहीं घूमने चला जाता है। तो पुणे रेलवे स्टेशन पहुंच गए, एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ रहती है, नीलेश भाई ने बोला, तो रेलवे स्टेशन चले गए। बीवी साथ में थी, बच्चे साथ में थे, 4 दिन का सामान भी साथ में थे। रेलवे स्टेशन चले गए, बीवी बच्चे सब खुश के डैडी आज तो घुमाने ले जा रहे। रेलवे स्टेशन चले गए, टिकट विंडो के ऊपर खड़े रहे और टिकट मास्टर को आपने बोल दिया कि साहब मुझे 4 दिन का टिकट दो। सामने वाला क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, कहां जाना है? जैसे टिकट विंडो पे से बंदे ने पूछा कहां जाना है, आपने रिप्लाई कर दिया बीवी साथ में है, बच्चे साथ में है, लगेज साथ में है, बेंगलोर का टिकट मिले तो बेंगलोर दे दो, दिल्ली मिले तो दिल्ली, जो भी मुंबई मिले मुंबई, कलकत्ता मिले तो कलकत्ता, हैदराबाद, जो जो गाड़ी में मिल रहा है दे दो, क्योंकि बीवी बच्चे लगे तीनों साथ में। कितने लोग ऐसे टिकट खरीदते, कितने लोग ऐसे टिकट खरीदते? सर 3 दिन घूमने जाना है तो स्टेशन कौन डिसाइड करता है? आप खुद। आप खुद बोलोगे कि नहीं ये स्टेशन ही पक्का मुझे जाना है, दिल्ली तो दिल्ली या बेंगलोर तो बेंगलोर। 3 दिन घूमने जाना है तो स्टेशन आप डिसाइड करते हो, और पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई हुए पैसे जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तब स्टेशन कौन डिसाइड करता है? इज दिस सीरियस मैटर, यस और नो? इज दिस सीरियस मैटर, यस और नो? सर बहुत बड़ी सीरियस मैटर। आपको कल से एक ही काम करना है, फीफा के कोई भी एडवाइजर के पास जाते हो, सिर्फ मैं 3 स्टेशन लिखा देता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा फायदा है कि यहां पे आपको सिर्फ 3 स्टेशन ही याद रखना है। वो स्टेशन में से फिर कौन से म्यूचुअल फंड खरीदना है, वहां पे आपकी एडवाइजर की एक्सपर्टी आएगी, वहां पे उनकी जो मास्टरी है, वहां पे उनका जो, क्योंकि एक एक स्टेशन में 300, 400 म्यूचुअल फंड है। कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है फिर आप मत पूछना। और बाय द वे, दीज आर द ओनली 3 स्टेशन इन द अवर बिजनेस। फर्स्ट इज ऑल अबाउट ए कैपिटल प्रिजर्वेशन, स्टेशन नंबर 1, कि मैं 25 लाख का चेक आपको दे रहा हूं बट 6 महीने बाद मेरे बेटे की शादी आ रही है, बाजार में कोई रिस्क मुझे नहीं लेना है। स्टेशन नंबर 1, कैपिटल प्रिजर्वेशन। स्टेशन नंबर 2, मैं रिटायर आदमी हूं, मैं आपको 1 करोड़ का चेक दे रहा हूं बट मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, हर महीने जो पैसा आएगा मेरा घर उससे चलने वाला है, स्टेशन नंबर 2। एंड स्टेशन नंबर 3, अगर मैं आपको 25-50 लाख रुपया दे रहा हूं, अगले 10-15 साल पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आप थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हो, कैपिटल एप्रिसिएशन में चले जाओ। 3 स्टेशन याद रखो, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उसमें से कौन से फंड में पैसा लगाना है, सी होता क्या, स्टेशन मुंबई स्टेशन है तो मुंबई जाने के लिए भी बहुत सारी ट्रेन होती है ना, लोकल ट्रेन होती है, फिर अभी धीरे धीरे उसमें से राजधानी आ गई, शताब्दी आ गई, अभी तो बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। कौन सी ट्रेन में भेजना है वो एडवाइजर डिसाइड करेगा, आपकी प्रोफाइल देख के वो डिसाइड करेंगे कि कौन से म्यूचुअल। बस स्टेशन कौन डिसाइड करेगा? कल सुबह उठ के ऑफिस ऐसा हो तो मत जाना, एक दिन छुट्टी रखना। आपने जो भी म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया है, आपकी फैमिली के साथ, आपने जो एडवाइजर ने आपको यहां पे इनवाइट किया है, उनके आपके ऑफिस में चले जाना और समझ लेना कि आपका पैसा कौन से स्टेशन के हिसाब से है, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पूछोगे भी नहीं आप कि मार्केट क्या लगता है। ये बिजनेस का और ये म्यूचुअल फंड का रूल है कि म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट ए प्लानिंग। जितनी प्लानिंग करोगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ये देखते हो 3 स्टेशन लिख लेना ध्यान से, तो आपकी काफी कुछ जिंदगी आसान हो जाएगी। कम टू द मार्केट, कि काफी लोगों ने यहां पे हाथ तो खड़े कर दिया कि म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा ऑलरेडी लग चुका है। एक्चुअली इसलिए काफी बार मैं बोलता भी हूं कि म्यूचुअल फंड को समझना बहुत जरूरी चीज है, और क्यों, ये साल इलेक्शन का समय है, अगले 365 दिन चुनावी माहौल बनने वाला है। ट्रेडिशनली इवन ग्लोबली आज तक का डेटा दिखा रहा है कि चुनावी माहौल में क्या बढ़ जाएगा, नॉइज बहुत बढ़ जाएगा, और नॉइज ऑन एन एवरेज ज्यादातर नेगेटिव होगा। और नॉइज इतनी, मैं लास्ट वीक ही मैं दुबई में था, ऐसे ही मेरी एक इवेंट थी,
जब मेरी इवेंट खत्म हुई फिर एक बड़े साहब खड़े हो गए और उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछ लिया कि हितेश ठीक है आपने इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में तो बात कर लिया बट ये पीएनबी जैसा स्कैम चलता रहेगा तब तक ये देश कैसे बढ़ेगा. नाउ पीएनबी स्कैम इज ऑल अबाउट ए नॉइस. नॉइस बहुत है. अगले 365 दिन में मैं एवरीडे इंडिया के हर स्टेज पे बोलता हूं कि भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, बाप बेटे का दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि हर घर में एक ही डिस्कशन चल रहा है कौन जीतेगा. मेरी जैसा बन जाओ. 365 दिन मैं कहीं पर भी ट्रैवल करता हूं लोग मुझे पूछते हैं कि कौन जीतेगा. मैं उनको सामने से पूछ रहा हूं भाई साहब आपको क्या लगता है. उनको लगता है कि मायावती जी जीतेगी तो मैं बोलता हूं सर मुझे भी वही लग रहा है. वो बोलते हैं कि मोदी साहब जीतेंगे तो मैं बोलता हूं सर मुझे भी वही लग रहा है. डिबेट मत करना पैसा नहीं बनेगा. बाजार का पहला रूल है और आज तक मेरे 25 साल के इतिहास ने मुझे सिखा दिया एक्सपीरियंस के कि जब नॉइस बढ़ेगी ऐसे टाइम में इन्वेस्टर को पैसा लगाने में डर लगता है क्योंकि अगले 365 दिन में एवरीडे सुबह जब आप न्यूज़पेपर खोल दोगे या तो कोई भी चैनल भी देखोगे आपको लगेगा कि अभी देश बंद होने की तैयारी में है. अभी ज्यादा नहीं चलेगा, अभी ज्यादा नहीं चलेगा ये नॉइज. और मैंने सीखा. और अभी आप हंस रहे हो ना, मुझे दिवाली तक याद कर लेना. यहां पे बैठे हुए लोग भी देखना कि नहीं यार हितेश तो बोल के चला गया, पैसा तो मेरा लग रहा है, एक बार रिडीम करा लेता हूं, पैसा निकाल लेता हूं. नॉइज बढ़ जाएगी. नॉइज में रिडीम्पशन मत करो. वो टाइम पे आपकी एसआईपी अगर 12,000 की चल रही है 15,000 का टॉपअप करवा लो. दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एंटर इन थ्रू द मार्केट क्योंकि जो स्मार्ट फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं ऐसे टाइम में, इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं. लोग कहां फोकस करेंगे? आपको बेस्ट एग्जांपल आपके नीलेश भाई ने सामने ही दे दिया कि पीएनबी की सब लोग बात कर रहे 10,000 करोड़ का स्कैम इज ऑल अबाउट ए नॉइज. बट भूषण स्टील की कौन बात कर रहा है? इंडिया के इतिहास में पहली बार आजादी के बाद जो बड़ी बैंक्स का पैसा फंसा हुआ है 58,000 करोड़ की डेट थी और उसमें से काफी कुछ पैसा अभी कंपनी टाटा स्टील खरीदने जा रही है जो भी एक एक कॉम्प्रोमाइज वाले रेट पर उनका जो डील हुआ है उसमें काफी कुछ पैसा बैंक के पास वापस जाने वाला है. इंडिया के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है बट इंफॉर्मेशन कोई नहीं देखेगा. इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट कि अभी गुजरात के गांव में जाकर आया, वहां पे ये आपकी बड़ौदा मुंबई की एक्सप्रेस हाईवे की लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गई है और अगले दो ही महीने में वो एक छोटे से गांव में 186 करोड़ आने वाले. कितना आने वाले? और मेरा क्वेश्चन है कि गांव में अगर 200 करोड़ आया तो पहले वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा या महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो लेने जाएगा, कहां जाएगा आप डिसाइड कर लेना. सर वर्ल्ड बैंक का भी डेटा आ गया कि पूरे दुनिया में जो भी बैंक अकाउंट खोल रहे हैं नए बैंक अकाउंट उसमें से 55% बैंक अकाउंट आज इंडिया में खोल रहे बिकॉज ऑफ जनधन योजना. इंफॉर्मेशन कोई नहीं देख रहा है. इंडिया की एक कंपनी टीसीएस जो पहली बार $100 बिलियन का मार्केट कैप बनाई टीसीएस, इंफॉर्मेशन कोई नहीं देख रहा है. इंडिया ने पहली बार $2.6 ट्रिलियन का जीडीपी टच कर दिया. नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इंफॉर्मेशन कोई नहीं देख रहा है. लोग क्या देख रहे हैं? नॉइस. और नॉइस बढ़ेगा. आजकल मैं आज सुबह भी मैंने बात किया था नॉइस कैसी होती है. आज तो इन्वेस्टर भी इंडिया में बहुत स्मार्ट हो गए. वो भी मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि अभी इतना देखना अभी एक और स्कैम आने वाला है. अभी जो अभी स्कैम और बनेंगे सब जोक भी नहीं होगा ना. ये पेट्रोल प्राइस आजकल इज ऑल अबाउट इन नॉइस. अभी एक इन्वेस्टर को पूछ लिया मैंने, बोले यार हितेश परेशान हो गया हूं ये पेट्रोल का क्या हाल क्या है. मैं बोला सर आपका बिजनेस और बोले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बट आम आदमी के हाल तो देखो. लोगों की दूसरों की जाफदा कुछ है. आपको मालूम है दुबई में अभी पेट्रोल का प्राइस क्या है? कल ही मैंने देखा उनका जो और मैं तो लास्ट वीक था तो मेरा काफी कुछ डिस्कशन हुआ. सर दुबई में भी अभी 47 रुपीज लीटर हो चुका है. और ऐसे अभी वहां का वो बंदा मजाक में मुझे बोल भी रहा था कि आप मोदी साहब को ज्यादा मत भेजा करो यहाँ पे क्योंकि दुबई आज तक फेमस था फॉर द टैक्स फ्री स्टेशन. वहां पे पहली बार 5% वैट अभी स्टार्ट हो गया. तो बोले साहब को यहाँ ज्यादा मत भेजिया करो. हाँ वो बोले सो पेट्रोल. माई ओनली मैसेज इज नॉइज जब बढ़ता है ना तब इन बिटवीन इंफॉर्मेशन बहुत होती है और इन्वेस्टर ये सही टाइम ही भूल जाते हैं निवेश करने में. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम.
स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, उसमें से कोई टेक अवे ले लेता है। अभी एक इन्वेस्टर ने मुझे भेज दिया, हितेश ठीक है पीएनबी खत्म हुआ ने, उसके बाद एक नया स्कैम आने वाला है, वीडियो कॉन। आप सुना है ऐसा कुछ आने वाला है? हाँ, ऐसा ऐसे स्कैम भेजते। अभी वीडियो कॉन स्कैम भेज दिया मुझे, तो मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं कि इतना जाते मैं माइक्रो इकोनॉमी में रिसर्च करूं। मुझे वीडियो कॉन का जैसा स्कैम आया, मैंने इन्वेस्टर को एक मैसेज भेज दिया, जो स्टाइल से मैंने समझाया था आपको भी समझा सकता हूं। मेरी शादी को आज 21 साल हुए और मेरी बीवी को लास्ट वीक में मालूम पड़ा कि मेरा कॉलेज में एक अफेयर था। घटना कब बनी है? 21 साल पहले। मैसेज कब मिला है? एक्चुअल इंपैक्ट है कुछ? हाँ, घर में 2-3 दिन माहौल बिगड़ेगा, बाकी सर ये जितने भी स्कैम अभी देखने वाले हो ने, ये सब फंड मैनेजर को मार्केट को सब डिस्काउंट करके बैठे। उनको मालूम है कि कौन सी कंपनी में कौन से सेक्टर में आपके पैसे रखने, इसलिए बोल रहे हैं कि डायरेक्ट स्टॉक में पैसा मत लगाओ, म्यूचुअल फंड सही है। ये चीज में ध्यान में रखना है। फंड मैनेजर क्या देखते हैं? ये चीज ध्यान में रखना कि आपका जो पैसा लगता है, सिर्फ दो चीज समझ लेना, हमारा सबसे बेस्ट और अच्छा दोस्त कौन है? सेंसेक्स। हम लोग सेंसेक्स की बात बहुत करते, मेरे हिसाब से ये चीज को देखना ही बंद कर दो। सिर्फ दो चीज आज यहां से दो चीज सीख के जाओ। और अभी अभी जो मेरा स्लाइड जो भी स्टार्ट होगा, दिस इज नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। आपके घर पे अगर 15 साल से ऊपर का लड़का या लड़की है ने, उनको भी ये डेटा दिखा देना, उनको भी समझ में आ जाएगी कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। इट्स नॉट ओनली फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, वेल्थ क्रिएशन का बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बन जाएगा। सिर्फ ये बाजार को समझना है तो आप दो चीज समझ लेना, वन इज अ GDP एंड सेकंड इज अ मार्केट कैप। सेंसेक्स को बीच में से निकाल दो। सेंसेक्स देखोगे क्योंकि सेंसेक्स का काम है ऊपर नीचे करना, और जब ऊपर नीचे होगा तो आप डरे डरे रहोगे, आपको लगेगा मेरा पैसा डूब जाएगा या तो ऊपर जाएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगी। आज आपका GDP है 160 लाख करोड़ का एवरेज, 160 लाख करोड़, और मार्केट कैप है इज ऑल अबाउट 145 लाख करोड़। मार्केट कैप को सिर्फ समझना, इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं कि अगर मारुति की मार्केट कैप, एक स्टॉक की मार्केट कैप जाननी है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ मारुति मल्टीप्लाई बाय टुडेज मार्केट रेट इज इक्वल टू मार्केट कैप ऑफ मारुति ऑन अ करंट डेट। सेकंड इजी लैंग्वेज में समझना है तो मारुति का टोटल वैल्यूएशन, मारुति आज रहेगी ऑन एन एवरेज 2.5 लाख करोड़ की, 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी होगी। ऐसे इंडिया में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की सभी कंपनी मिला लो तो आपका मार्केट कैप बनता है 145 लाख का। पूरे सेशन में ध्यान रखना, आप म्यूचुअल फंड में जो निवेश कर रहे हो वो सेंसेक्स से भी ज्यादा दो चीज पर डिपेंड है, वन इज अ GDP एंड सेकंड इज ऑल अबाउट ए मार्केट कैप। सेकंड, जो इन्वेस्टर पूछता है कि 2019 में क्या होगा इलेक्शन में, उनके लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर चेक तो लिखते हैं फिर वापस मैसेज देते हैं, नहीं यार शायद मोदी साहब हार गए तो बाजारें टूट जाएगी, और कोई मिली जुली सरकार आई तो और परे, ये भी एक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चेक द डेटा, 1995 में आज जो आपका 145 लाख करोड़ का मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ का था। आज से 22 साल पहले मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का था, टोटल मार्केट कैप 3 लाख करोड़। आज इंडिया की नंबर वन सिंगल कंपनी TCS मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़। 1995 से 2005 अब सेकेंड जर्नी 30 लाख करोड़, 2015 100 लाख करोड़, 2018 150 लाख करोड़। ये बाजार जो भी ये साल नहीं चल रहा है ना, करेक्शन जोन में, 2015 से 18 ऑलरेडी 50 लाख करोड़ से बाजार बढ़ चुका है, ये थोड़ा अभी थक गया है, वेट कर रहा है, एंड दिस इज गुड फॉर द हेल्थ। बाजार जितना रुकेगा उतना आपका पैसा ज्यादा बनेगा, अगर बाजार नहीं रुका, बाजार और स्पीड से ये साल में ऊपर चला गया, देन इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट। एक साल रिटर्न नहीं मिले ने तो दुखी मत होना, खुश होना, क्योंकि बाजार अगर लंबे टाइम तक जोर से बढ़ जाएगा तो मार्केट फिर क्रैश हो जाएगा। मार्केट ये साल क्या डिसाइड करके बैठा है कि मुझे करेक्शन में जाना है। पैसा बहुत बनेगा ऐसे माहौल में जब आप लंबी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा है कि बाय 2025 ये 300 लाख करोड़ को भी टच कर सकता है, पर ये 300 लाख भी छोड़ दो, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2005 से 2015 5 लाख से 100 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ, 30 लाख से 100 लाख करोड़, गवर्नमेंट कौन सी थी?
कौन सी गवर्नमेंट थी? मेजोरिटी टाइम यूपीए। सर तो भी आपका 30 लाख का 100 लाख करोड़ हुआ है। आप पिछले 20 साल में कोई भी गवर्नमेंट ले लो, बाजारे चलिए। आप कोई भी स्कैम ले लो, बाजारे चलिए। आप कोई भी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन, ग्लोबल इश्यू, लोकल इश्यू, जो चीज आपके आपको जितनी नेगेटिव चीज याद आ रही है ना फॉर मार्केट, आप लिख लो पेपर पे। 22 साल में सब कुछ हो गया। तो अभी आपका 3 लाख करोड़ का मार्केट के पास 150 लाख करोड़ हो गया। हाँ, काफी कुछ उसमें नए पब्लिक इश्यू भी आते, वो भी एड वैल्यू करते रहते, बट फंड मैनेजर ये सब चीज ध्यान में रखता है। आज पहली बार देखो कि मार्केट कैप कौन सी चीज आज दुनिया की पांच, कितने लोग ने अभी टीसीएस का न्यूज देखा कि वो 100 बिलियन की पहली कंपनी बन गई, एंड दैट वाज अ प्राउड मैटर। जब न्यूज आई कि 100 बिलियन की, 100 बिलियन की, आप जब फॉरेन की कंपनी देखते हो, सर इंडिया में टीसीएस 100 बिलियन की कंपनी बन गई, एप्पल जो यूएसए लिस्टेड कंपनी है वो पहली बार $1 trillion कंपनी बनने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले 8-10 दिन में बन जाएगा, थोड़ा ही अभी प्राइस ऊपर गया। $1 trillion की एक कंपनी बनने जा रही है। इंडिया की आज की जीडीपी है $2.6 trillion, और एप्पल कितने की बनने जा रही है? $1 trillion की। मार्केट कैप देखोगे तो समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा लगाना चाहिए। चलो इंडियन कंपनी देख लो, 2016 का चार्ट देखो, आपका टीसीएस नंबर वन था $64 billion, 2017 रिलायंस नंबर वन, 2018 TCS $100 billion, सीधे HDFC बैंक $51 billion मार्केट कैप, राइट नाउ इज ऑल अबाउट $84 billion, डबल ऑलमोस्ट। आपका हिंदुस्तान लीवर पहले पांच में कितने साल से नहीं था मार्केट कैप में। सी फंड मैनेजर ये सब चीज देखता है कि कौन से सेक्टर परफॉर्म करेंगे, कौन से स्टॉक परफॉर्म करेंगे, वो हिसाब से आपको जो म्यूचुअल फंड की जो पूरी गेम है ना, इज ऑल अबाउट मार्केट कैप। मार्केट कैप को ध्यान से रखना, वो जो पैसा बनाकर देगा ने, और कोई चीज नहीं बनेगा। क्योंकि आप, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, हमारा तो दोस्त कौन है। सी जब मार्केट कैप देखा तो हमें लगा कि मेरा पैसा क्यों नहीं बना, 3 लाख करोड़ का 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ का 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ का 150 लाख करोड़। बट सर इन बिटवीन हमारा ये दोस्त साथ में था, और ये दोस्त को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुझे ध्यान में रखना है कि पुणे का कोई भी इन्वेस्टर पैसा बनाना नहीं चाहिए। बस ये दोस्त को जिम्मेदारी दी है। ये दोस्त कौन है आपका? सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या करता है? सेंसेक्स एक पैटर्न में रहता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैंने 18 साल का यहां पर लिख दिया, 2006 12,000, वन सेकेंड 8799, 2008 21,000, डाउनफॉल मालूम है? लेमन ब्रदर क्राइसिस अक्टूबर 2008 7697, 2010 अक्टूबर 2008 8000 इंडेक्स, फेब्रुआरी 2010 वंस अगेन इन अ 15 मंथ, सिर्फ 15 महीने में आपका सेंसेक्स इतना हो गया 21,000। और इंडिया में मैं इतने साल से काम करता हूं, मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर जब ऐसी रेड कलर बनती है ना, रेड कलर, तब डिसाइड करते हैं कि आज के बाद म्यूचुअल फंड का कोई भी इन्विटेशन आए हमें जाना, और ब्लू कलर में वापिस अंदर। माय ओनली मैसेज कि सेंसेक्स इज ऑल अबाउट ए अप एंड डाउन, सेंसेक्स इज ऑल अबाउट ए अप एंड डाउन। इफ यू लव दिस कर्व देन वेलकम टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसको दोस्त बना लो, ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, इसको दोस्त बना लो। इफ यू लव दिस कर्व, ये पेपर पे ड्रॉ कर लो, इफ यू लव दिस कर्व देन वेलकम टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। क्योंकि मार्केट कैप से, मार्केट कैप भी ऊंचे नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, बट आपको दिखता नहीं है वो स्लोली स्लोली। क्योंकि मार्केट कैप में क्या है, कोई एक कंपनी का मार्केट कैप नीचे जा रहा है, कोई अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी का मार्केट कैप ऊपर भी जा रहा है। फंड मैनेजर ये सब चीज देखते हैं। और अगर ये चीज समझ में नहीं आती है तो मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। एग्जैक्टली 2 महीने पहले मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, और सुबह 4 बजे मैं ऐसे ही ट्विटर देख रहा था, और मैंने न्यूज देख लिया श्रीदेवी का, और वो न्यूज था ब्रेकिंग न्यूज, एट एज ऑफ 54 श्रीदेवी जी एक्सपायर्ड। एंड दैट वाज ए शॉकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि इतनी स्मार्ट, इतनी फिट ए हीरोइन को ऐसा कुछ हो जाना, दैट वाज ए शॉकिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। और पहला न्यूज था कि दैट वाज ड्यू टू अ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आई थी। जब ऐसी न्यूज सुनते हैं ना तो हमें भी थोड़ा बहुत पेन रहता है, थोड़ा डर लगता है कि हम भी रोज भागा भागी करते इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ये सब, और कहीं साथ में तो डर लगता है। वो दिन मैंने क्या किया,
मैं भी डॉक्टर के पास चला गया. जैसे ही मैं घर पर पहुंचा, फैमिली डॉक्टर के पास चला गया और उनको एक ही चीज़ पूछा कि साहब ये चेक कर लो, आप भी मेरा बॉडी चेकअप कर लो और सब कुछ सही तो चल रहा है ना. डॉक्टर ने समझाया कि नहीं यार हितेश, क्या ऐसा न्यूज़ आता है तो हमारे यहाँ भी पेशेंट बढ़ जाते, बट आपको कुछ नहीं हुआ, आप भागते रहो, लोगों को समझा रहे हो कि इंडिया चलने वाला है, इंडिया लैंड ऑफ, आप बोले टेंशन मत. मैं बोला नहीं सर, जो चेक करना है कर लो. डॉक्टर साहब ने बोला एक काम करो, ईसीजी निकाल लो. मैं बोला जो निकालना है निकालो, पर ये सही है ना वो रिपोर्ट दो मुझे. डॉक्टर साहब ने ईसीजी निकाला. जैसे ही ईसीजी वो पढ़ रहे थे तो क्यूरियोसिटी से मैंने पूछ लिया कि सर सब कुछ सही है ना. डॉक्टर साहब ने रिप्लाई दिया कि हितेश ईसीजी निकालने से पहले भी मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ नहीं हुआ है, बट आपका डर की वजह से मैंने भी आपको एक कंफर्म करने के लिए ईसीजी निकालना है, बट ईसीजी इज फाइन सुपर डुपर. वो कुछ लिख रहे थे, मेरा माइंड कैसा है थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला है, सो मैंने धीरे से डॉक्टर साहब को पूछ लिया कि सर ईसीजी में देखना क्या होता है. डॉक्टर ने बोला भाई तेरा काम है म्यूचुअल फंड बेचना, तू म्यूचुअल फंड बेच. और ईसीजी देखने के लिए आदमी को एमबीबीएस एमडी की जरूरत होती, तेरा जैसा कोई भी बंदा ईसीजी देखने लगा कुछ नहीं होगा ये काम. मैंने बोला नहीं सर आजकल हम म्यूचुअल फंड सिखाते, आप भी सिखाओ कि ईसीजी दिखना क्या चाहिए. तो उन्होंने बोला देख भाई कुछ ज्यादा मत समझना, ईसीजी निकालना और ईसीजी में अगर ग्राफ ऐसा दिखा ऐसा तो सब कुछ सही है, और जो दिन ग्राफ ऐसा वाला दिख गया वो दिन सर वो दिन जिंदगी में पहली बार मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड, दोनों में ये मोमेंट तो होनी ही चाहिए. आई लव दिस कर्व. क्योंकि जब तक ऊपर नीचे नहीं होता है तब तक मुझे महसूस नहीं होता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं. सर ये सिंपल चीज है, दोस्त है ना आपका, सेंसेस को हटाओ और देखना क्या स्टार्ट करो. सिंपल रीजन से अगर ये बाजार को समझना है तो ये स्लाइड से आप समझ लेना, ये देश क्यों. मैं ज्यादा माइक्रो इकोनॉमी में जा जाता, मैं देश तो सिर्फ नजदीक से देखता हूँ. मैं एवरीडे ट्रैवल करता हूँ, रेलवे स्टेशन बैठता हूँ, एयरपोर्ट पर बैठता हूँ. मेरा काम ही ऐसा है 200-500 हजार लोगों को मिलना रहना, बातें करना. मुझे लगता है ये देश बहुत, इवन हम सबकी सबसे बड़ी गलती एक ही होने वाली है कि ये देश के ऊपर डाउट करना. कोई भी चीज के ऊपर डाउट करना है, देश के ऊपर डाउट मत करना. अगले 15 साल में जो अपॉर्चुनिटी देगा, और उसका सिंपल एक ही स्लाइड है. कोई भी देश को समझना है तो आपको समझनी पड़ेगी पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एवरेज 130 करोड़ इंडियन की सालाना अर्निंग. आज इंडियन की एवरेज अर्निंग है 1 लाख रुपए की. अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वहां पे ज्यादातर आपको डॉलर टर्म्स में दिखाएगा, 1800-1900 डॉलर का हमारा पर कैपिटा इनकम है. आज से 40 साल पहले इंडिया और चाइना के बीच में गैप था 6 डॉलर का. चाइना ज्यादा 6 डॉलर कमा लेता था पर कैपिटल इनकम. आज ये डिफरेंस है 6000 डॉलर का, 6000 डॉलर. चाइना इतना ऊपर जा चुका है. डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, सीधा डेटा, क्या आज ये 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उसमें 1 लाख रुपया अगर अर्निंग हो रहा है तो उसमें से 80,000 रुपये वो आदमी का बेसिक नीड में चला जाता है, खाने में चला जाता है. बेसिक नीड, गरीब आदमी माना जाता है. इसलिए हमारा देश भी आज जब गरीब देश का लिस्ट निकलता है, जब तक हम लोग 3000 डॉलर से नीचे रहेंगे पर कैपिटा में, तब तक हमारा लिस्ट गरीब देश में आएगा. हमारा नाम 80,000 रुपया उनका बेसिक नीड में जाता है और 20,000 रुपया से वो लाइफस्टाइल यानी कुछ मोबाइल खरीद लेगा. इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, गरीब आदमी है, बट वो कुछ ने कुछ खर्चा करेगा, बाइक सेकंड ले लेगा, कुछ करेगा. ध्यान से समझना, डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 2024 में ये जो 1800 डॉलर पर कैपिटा इनकम है वो 3600 से 4000 हो जाएगी, डबल हो जाएगी. नाउ डबल हो जाएगी तो इंपैक्ट क्या होगा, आपका 1 लाख का इनकम कितना हो गया, 2 लाख. 2 लाख होगा तो समझ के रखना बेसिक नीड में कभी बदलाव नहीं होते. आदमी को जो रहने की पैटर्न है वो अमीर होगा या पहले मिडिल क्लास में था, वो पैटर्न सेम ही रहेगी. आदमी आज 2 रोटी खा रहा है, ज्यादा भी कमाएगा तो 2 रोटी खाएगा, 5-10-15 रोटी नहीं खाएगा. इवन आजकल तो मैंने रिवर्स देखा इंडिया में, आदमी जितना ज्यादा कमाता है उतना खाना, बोले डायटिशियन रखा है मैंने, भागने जाता है, बोले नहीं अभी पैसा बहुत आ गया, अभी जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना. तो इंडिया पूरा बदल रहा है अभी, और ये देश के ऊपर आपको डाउट है. सर आज 2 लाख का इनकम हो गया तो उनका जो 80,000 का खर्चा है उसमें बढ़ के 1 लाख हो जाएगा, बट दूसरा 1 लाख उनका कहां जाएगा, स्पेंडिंग और सेविंग इन्वेस्टिंग. इनकम डबल होगी बट स्पेंडिंग या सेविंग इन्वेस्टमेंट आपका 5 टाइम्स बढ़ जाएगा.
साहब ने दिखा ना कि हिंदुस्तान लीवर कंपनी बढ़ रही है, मारुति कंपनी बढ़ रही है, इसके पीछे कोई फंड मैनेजर काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे ये लोग काम कर रहे हैं। मारुति का चेयरमैन सर बोल रहे कि हर 4 साल में इंडिया में एक नई प्लांट डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी लाइफस्टाइल में बहुत, चलो बेस्ट एग्जांपल देता हूं जल्दी समझ जाओगे। मैं जो सोसाइटी में रहता हूं ना, वहां पे दो भाई सुबह गाड़ी क्लीन करने आते हैं एंड दे आर चार्जिंग 500 रुपीज पर का पर मंथ। ऑन एन एवरेज वो लोग 55 गाड़ी क्लीन करते हैं, 55, यानी कितना रुपया लेते हैं हर महीने? तकरीबन 27,000 से 28,000 रुपया। सुबह 5 बजे एंटर होते, 10 बजे काम खत्म, 11 बजे वो लोग नियर बाई GIDC में इंडस्ट्रियल में लेबर जॉब करने जाते हैं, इंडस्ट्रीज में। शाम को 6 बजे आते हैं, वहां से 7 बजे बाजू में डीमार्ट नाम का एक सुपर स्टोर है, उनके सामने वो सैंडविच की लारी चलाते। ये दोनों भाई, मैं ऐसे लोगों को मैं बहुत टच में रहता हूं, मैं बहुत जानने की कोशिश करता हूं, मैं इंडिया को समझने की कोशिश करता हूं। ये दो भाई कुछ भी मिलाओ, ऑन एन एवरेज 60,000 से 70,000 रुपया हर महीना कमा रहे। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ये जो दो भाई पैसा कमा रहे, नेक्स्ट डे पैसे से क्या करेंगे? एनी आइडिया क्या करेंगे? पैसा आ गया 50,000-60,000 रुपया पर मंथ, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितने लोगों को लगता है बैंक में अकाउंट खोल देंगे? कितने लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे कि म्यूचुअल फंड कर दो? ओके, कितने लोगों को लगता है सेकंड हैंड बाइक खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे? सर ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये कभी भी बैंक में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मैं गरीब हूं, और ऐसे गरीब ये देश में बहुत बढ़ रहे। सर मैं मजाक किसी का नहीं ले रहा हूं, बट ये देश अपॉर्चुनिटी दे रहा है। स्किल लेबर के पास आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर सबकी आज बाजार में डिमांड आ चुकी है, वो लोग पैसा बना रहे। द ओनली सीरियस प्रॉब्लम इज कि मैंने चार्ट में रखा है कि वो पैसा तो कमा लेता है गाड़ी क्लीन करके वो, बट इश्यू एक ही चीज का है कि नाश्ता वास्ता कर लेता है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। जो नीलेश भाई बोल के गए ना कि भाई इनकम गवर्नमेंट की नहीं बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने भी सोच लिया कि ठीक है यार 130 करोड़ के पीछे मैं कहां भागूंगा। गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे तो पैसा चाहिए, मेरे पास दो रास्ता है, एक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बेटा तू 50,000 कमाया, कुछ नहीं दिखाया, चलेगा, बट रात को अगर तू कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो वहां पे 5% GST दे देना। ये बंदा बोल रहा है ठीक है वो मैं दे दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर कैपिटा से इतनी बदल जाएगी। मेरी अभी ऑफिस बन रही थी, पूरा इंटीरियर काम चल रहा था, उसमें पहली बार हर एक बंदा सामने से आके बोल रहा था कि साहब सब कुछ कैश नहीं चलेगा, आपको चेक देना ही पड़ेगा, क्योंकि GST से ही मेरा माल आगे से आ रहा है। सर ये छोटी छोटी चीज में बदलाव आएगा ना? चलो इजी वे में समझाता हूं, पर कैपिटा बहुत इंटरेस्टिंग वे। 10 साल पहले एयरलाइन जर्नी और लग्जरी और नेसेसिटी, आज क्या है? 10 ईयर्स बैक बाइंग अ कार वॉज लग्जरी और नेसेसिटी, आज क्या है? आज आप पुणे में किसी को बोल सकते हो मैंने नया गाड़ी लिया? सर गलती से भी बोला ना तो बंदा बोलेगा देखो मेरे घर पे 3 है, पार्किंग का इश्यू है अभी, बाकी आ जाओ। चलो पर कैपिटल इनकम देश बदल रहा है। मेरे सामने एक एग्जांपल देता हूं, आज से 1 महीने पहले मेरा जयपुर कलकत्ता सुबह इंडिगो था 7:30 बजे का, मेरा जयपुर इवेंट खत्म हो गया, कलकत्ता जाना था। वो दिन आउट ऑफ 180 सीट 150 सीट्स बुक बाई 1 मारवाड़ी फैमिली। पहली बार जब फैमिली अंदर एंटर हुआ ने तो इंडिगो की एयर होस्टेस ने उनका नाम लेके स्वागत भी किया, क्योंकि 180 सीट में से 150 सीट्स बुक बाय द 1 फैमिली। वो फैमिली मेरी बाजू में, वो मैं ग्रुप में से एक बंदा बैठा था, मैंने धीरे से पूछ लिया कि भाई साहब है क्या ये? तो बोले हम लोग कलकत्ता से है, हमारे बड़े भाई की बेटी की सगाई थी इसलिए हम लोग 150 लोग आए थे 3 दिन पहले, आज सगाई खत्म हो गई, आज हम वापिस जा रहे। मेरी जो भी बात है उसको ध्यान से सुनना, वो भाई साहब ने बोला था सगाई के लिए आए थे, यानी मैंने पूछा कि शादी में क्या होगा फिर? 150 लोग कहां पर आए थे? ये तो ठीक है 150 लोग आए थे, मेरी जिंदगी में पहली बार जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया वो 150 में से उनके जो साथ जो सीनियर एक दादी अम्मा बैठी थी वो जोर से बोली बोलो जय माता जी। आज तक मैंने ट्रेन में बहुत बार ऐसे सीन देखा है कि 150 लोग एक साथ बोले जय माता जी, अभी मैं कहां पे देख रहा हूं। इवन आधे घंटे बाद मैडम सिचुएशन ऐसी आ गई
कि पूरा जयपुर टू कलकत्ता 2 hours 45 minutes जर्नी, पूरे शादी के गाना चल रहे थे, लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, इवन 15 मिनट बाद सिचुएशन ऐसा था मैं खुद भी ऐसे क्लैप करता था अंदर, क्योंकि 180 सीट में से 150 सीट बुक बाय द वन फैमिली, हम 30 माइनॉरिटी में थे, बोलना कुछ मकसद ही नहीं था। मैं बोला मजा लो भाई, सर ये देश के ऊपर आपको डाउट लग रहा है, ये देश के ऊपर डाउट मत करना, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर कैपिटल से ये जो देश आपका बदलेगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं। सो माय ओनली मैसेज इज के फोकस ऑन द दिस थिंग, जो साहब ने नीलेश भाई ने जो अच्छी सी चीज बताई कि आपका बाजार क्यों चल रहा है, 2014 में सिर्फ 25 लाख म्यूचुअल फंड के SIP होल्डर थे और हर महीने 1200 करोड़ आ रहे थे, आज 2018 में 2 crore इन्वेस्टर सिर्फ SIP के हो चुके हैं और आज आपका पैसा आ रहा है मोर देन 6.5 crore, 6,500 crore सिर्फ SIP रूट से आता है। और टू समराइज द थिंग, जब इतना पैसा आता है और ये इलेक्शन का माहौल है, आपकी कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और फाइनली मैं, अगले 365 दिन बाजार में निकालना ने बहुत मुश्किल होगा। बट एक चीज ध्यान में रखना, ये बाजार को समझना है, ये गवर्नमेंट ने 6 काम कर लिए, चलो फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट हो गई तो इंडिया के लिए बहुत फायदा ही फायदा है, अगर नहीं भी हुई तो भी ये देश तो पक्का चलने ही वाला है। ये गवर्नमेंट ने 6 काम कर दिए, फर्स्ट इज ऑल अबाउट GST, सेकंड डिमोनेटाइजेशन, जनधन योजना, रेरा, बैंक्रप्सी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये 6 चीजें गवर्नमेंट ने कर ली। अगर ये गवर्नमेंट नहीं भी आई तो कितने लोग ऐसे मानते हैं कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी ये 6 चीज को रिवर्स कर देगी कि नहीं अभी डिमोनेटाइजेशन कैंसल, नए नोट लेकर आओ, पुराने वापस ले जाओ, नया स्कीम, इज इट पॉसिबल? कोई एक नई गवर्नमेंट आएगी बोले नहीं ये जनधन योजना तो कंप्लीटली रॉन्ग एक्शन है, ये 30 crore अकाउंट अभी क्लोज करो, वापिस सबको बोलो कैश में जाओ, इज इट पॉसिबल? सर ये जो 6 चीज कर दिए ना, ये तो पक्का अभी इसके फ्रूट ही खाना है। मोदी साहब की गवर्नमेंट को ही मिलेगा, या मायावती जी को मिलेगा, या ममता जी को मिलेगा, या राहुल जी को मिलेगा, मुझे नहीं मालूम है, बट उसके फ्रूट्स पक्के मिलने वाले। एक्चुअल में अगर बाजार को समझना है तो आज आपके घर पे जाके जब भी मेरे म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठते हो, पीफा के एडवाइजर के साथ, एक हॉकी स्टॉक, हॉकी स्टिक होती है ना, वो ड्रॉ कर लेना, हॉकी स्टिक। हॉकी कैसी होती है, लेट्स से कि दिस इज ऑल अबाउट ए हॉकी, ये हॉकी होगी आपकी, हॉकी स्टिक ऐसी होती है। 2018 से 2019 हॉकी का जो ये यू टर्न है ना, ये नीचे वाला वो होगा, बाजार ऊपर जाएगा नीचे, बाजार ऊपर जाएगा नीचे, प्लस पॉजिटिव न्यूज, ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा। वंस वी क्रॉस मे 2019, नई गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद आपका 2019 के बाद एक्चुअल में अगर देखने जाओ तो ये 6 चीज जो गवर्नमेंट ने की सबकी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगी बाय 2020। 2020 के से लेकर 24 तक आपका हॉकी स्टिक ऐसे जाने वाला है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम टू एंटर इन टू मार्केट। हाँ, जिगजैग करेगा, आपकी प्रोफाइल देख लो, प्रोफाइल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी अच्छा है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनामिक फंड, ऐसी कैटेगरी में चले जाओ तो आपकी और आसान हो जाएगी। बट एक्चुअल में जो भी इंपैक्ट आएगी, 2018 थोड़ी डिफिकल्टी, उसके बाद आपका बाजार ऊपर जाएगा। ये चीज जो बंदा समझेगा, अगले 5 से 10 साल का निवेश करने वाला ही सबसे ज्यादा पैसा बना पाएगा और एक्चुअल में पैटर्न में बाजार चलेगा, सिर्फ 365 दिन का जो भी पेन आने वाला है। And this is all about, see, GDP देख रहे हो सर, GDP ग्रोथ आज हमारा चल रहा है 7% का, बाजार का मानना है कि अगर मोदी साहब की ये गवर्नमेंट इसे वापस रिपीट हो गई तो हम लोग 8-9% तक को भी टच करेंगे, उसे ऊपर भी जा सकते हैं जो हमने देखा है ऑलरेडी, और अगर कोई मिलीजुली सरकार आ गई तो अभी 6.5% का तो मिनिमम हमारे पास बेस रहेगा, और 6.5% का भी बेस रहा तो आप कैलकुलेट करो, आज हमारा GDP 160 lakh crore, सर उसमें थोड़ा बहुत ऐड करो आप 7%, तो 2018 में आज का 165, 2019 में सिंपल मैथमेटिक्स पर जाओ, आप रोज पढ़ रहे हो कि 7% से GDP ग्रो रहा है और GDP आज 160 lakh crore का, मैथ्स तो लगा दो सर, कौन जीतेगा वो छोड़ दो, कोई भी जीतेगा या हारेगा हमारी जीत पक्की है,
सिर्फ पांच साल बैठे रहो सर, हमारी जीत कोई भी जीते हारे ने, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन से भी देखने जा रहे हो तो 2024 तक आपका बैठे बैठे 250 लाख करोड़ का मार्केट जीडीपी बन जाए, और जीडीपी ऊपर गया तो उसके पीछे कौन ऊपर जाएगा? मार्केट कैप। जीडीपी और मार्केट कैप मियां बीवी जैसे है, वो दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है, गैप बढ़ जाती है। अभी थोड़ा झगड़ा हुआ है तो जीडीपी हो गया 160 लाख और आपका मार्केट कैप हो गया 145 लाख। और जब ये नीचे की साइड गैप बने ना, दैट इज द गुड टाइम है, और नीचे जाएगा तो अच्छा पीरियड, और नीचे गया तो और अच्छे टाइम मिलेगा। बट ओवर द पीरियड आपका जीडीपी ऊपर गया तो साथ में कौन सी चीज भी ऊपर जाएगी? मार्केट कैप। ये दोनों चीज का अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो एक मैं आपको अच्छी वाली स्लाइड दिखा देता हूं कि इट्स ऑल अबाउट, ऐसे पिक्चर में आपका आ जाएगा। सेंसेक्स क्या होगा मालूम नहीं है, बट आपकी जीडीपी जो बैठे बैठे लग रहा है 300 लाख करोड़, और उसकी कंप्लीट इंपैक्ट आ जाएगी ऑन अ मार्केट कैप। कौन से स्टॉक चलेंगे मुझे नहीं मालूम है, कौन सा सेक्टर चलेगा मुझे नहीं मालूम है। फंड मैनेजर सिर्फ यही चीज डिसाइड करते, और कहां से वो लोग डिसाइड करते? दे बिलीव इन ओनली 3 प्रिंसिपल, कंज्यूमर स्पेंडिंग अप, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अप, इंटरेस्ट रेट डाउन। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे कि जनवरी 20 आज से 4 महीने पहले मुंबई एयरपोर्ट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा था? एक ही दिन में मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर 915 फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया और लैंडिंग किया, दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही दिन में। और ये रिकॉर्ड गर्व की बात है, ऑफकोर्स रिकॉर्ड आ गया तो, बट ये रिकॉर्ड भी क्यों बना? क्योंकि हमारे पास ही सिर्फ एक ही रनवे है, यानी कंपलसरी इतना आया ऊपर जाना ही पड़ेगा, बाकी दुनिया के कोई भी अच्छे सिटी में जाओ मिनिमम 3-4 रनवे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे बड़े सिटी में। इंडिया की नंबर 1 सिटी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के पास एक रनवे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेस्टिनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, आप मुंबई जो मेट्रो देख रहे हैं ना, मैं एवरीडे इंडिया के सिटी में ट्रैवल करता हूं, आज इंडिया के 42 सिटीज में मेट्रो के काम चल रहे हैं। अगले 15-20 साल में इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कंज्यूमर स्पेंडिंग अप, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अप। लास्ट टाइम भी यही इवेंट में फीफा का जो इवेंट था शिवरात्रि के दिन, उतना मुझे याद है, 1 साल पहले जो मैसेज दिया था आज भी देकर जा रहा हूं, आपके बच्चों के साथ शेयर कर लेना, दिस इज माई मैसेज ऑफ टूडेज इवेंट। क्या लिखा है? धंधा करो या दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करो। अगर दूसरी चीज लाइन अगर अच्छी लगती है दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करना, तो वेलकम टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। और एक चीज ध्यान में रखना, अगर खुद का धंधा करने गए तो ऐसे बैठ पाओगे? 20 तारीख को जीएसटी भरना होता है, 25 तारीख को रिटर्न फाइल करनी होती है, 1st को सैलरी देना पड़ता है, 5th को आदमी जॉब छोड़ के जाता है आदमी। ये जो 2-4 शेयर बाकी है ना, वो वर्किंग डे में नहीं है, क्योंकि वो धंधा लेके बैठे। दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करोगे तो जिंदगी में कभी सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। और दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करने का एक आपको लास्ट एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरे यहां एक अमेरिकन रहने आया था 4 दिन के लिए, 65 साल का आदमी, बॉर्न अमेरिकन, वहां का ही आदमी। एक दिन हम लोग गाड़ी में घूमने निकले, वो पीछे की सीट पर बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा वो पीछे की सीट पर इतने कंफर्टेबल नहीं थे, कुछ ढूंढ रहे थे। तो मैंने पूछा कि सर आर यू कंफर्टेबल, डू यू नीड एनी हेल्प फॉर समथिंग? तो उन्होंने पूछा वेरी सीट बेल्ट? अभी इंडिया में क्या है पीछे की सीट पर सीट बेल्ट की इतनी कोई जरूरत होती? और हमारा ड्राइवर भी, वो क्लीन करने वाले भी क्या करते हैं, वो होता भी है ना तो सीट के नीचे डाल देते हैं कि रोज रोज बीच में आएगा नीचे डाल दो इससे अच्छा। फिर मैंने वो दिन वो अमेरिकन को समझाया कि भाई इंडिया में बैक सीट पर सीट बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है, और उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि सीट बेल्ट इज फॉर द पुलिस नॉट फॉर द, अगर वो अमेरिकन इंडिया नहीं आता तो जिंदगी में गलत फहमी में उनकी निकल जाती कि सीट बेल्ट इज फॉर। पर वो दिन है ना, वो पीछे बैठे थे, उन्होंने देख लिया कि मेरे बेटे जो आगे बैठे ना उसने सीट बेल्ट लगाया, तो उनको दिमाग में बैठ गया कि इंडिया में सीट बेल्ट कहां मिलती है आपको फ्रंट। नेक्स्ट डे घूमने जाना था ना, 15 मिनट वो जल्दी तैयार हो गए और कहां जाके बैठ गए? मुझे तो समझ में आ गया कि जो आदमी पैदा हुआ तब से सीट बेल्ट लगा रखे चल रहा है वो कैसे घूम सकता है। नेक्स्ट डे बैठ गया, मैंने बीवी बच्चे को बोला हाँ भाई आप पीछे बैठना शांति से, और वो खुश थे, वो दिन एकदम एकदम फ्रेश दिख रहे थे, स्माइल बाइल, सीट बेल्ट लगा के जैसे एकदम बाहुबली बैठा हुआ सब फील आ रहा था। थोड़े आगे चले गए,
बात बात में डिस्कशन चल रहा था और मेरे मुंह से निकल गया और तब उनको मालूम पड़ा कि मेरी गाड़ी में एयरबैग्स नहीं है। सर आपको हंसी आ रही है बट इंडिया की 94% कार में आज भी एयरबैग्स नहीं है एंड यूएसए में यू कैन नॉट सेल अ कार विदाउट अ एयरबैग। इंडिया अभी तक गरीब देश था। मेरे पास जितने पैसे थे मैं सिर्फ लेके डीलर के पास जाता था कि भाई 2-3 लाख में जो गाड़ी में आ रहा है टायर और वो चाहिए मिनिमम चलने वाली वो दे देना। अभी पहली बार पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है इसलिए इंडियन जाके बोल रहा है अभी मुझे ऑटो चाहिए, मुझे अभी एयरबैग चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है मेरे दोस्त, ये शुरुआत है। ये देश के ऊपर डाउट मत करना, 130 लाख करोड़ का देश है, इज हैविंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जब अमेरिकन को मालूम पड़ा कि यार ये हितेश की गाड़ी में एयरबैग नहीं है तो अमेरिकन ने मुझे एक ही लाइन बताई कि हितेश इंडियंस आर टेकिंग सो मच रिस्क। मैं भी डायलॉग बोलने वाला आदमी हूँ, मैंने भी बोल दिया कि सर इंडियन कभी भी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता है, अपना पैसा बैंक FD में ही रखता है। सीट बेल्ट नहीं पहन के जिंदगी का रिस्क हम लोग ले सकते हैं बट पैसे का रिस्क तो हम पक्का। सर माय ओनली मैसेज इज कि जब भी मेरे एडवाइजर को मिलो, मुझे एक चीज बहुत हर्ट होती है कि जब भी हमारे एडवाइजर को आप मिलते हो तब एक लोग बोलते हो कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने जाता हूँ, एडवाइजर को मिलने जाता हूँ, एजेंट को मिलने जाता हूँ। माय ओनली मैसेज इज कि माइंडसेट बदल दो। इंडिया में क्या है, हम सब लोग मंदिर में जाते हैं और विच योर रिलीजियस वी बिलीव, प्रे करने के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहते, सब लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं। फिर मैंने थोड़ी समझने की कोशिश की कि लोग मंदिर में जाके करते क्या है, तो जो बाजू में खड़ा रहता है ना उसके और पास में खड़ा रहता हूं क्यों बात, और जनरली देखना तो ये हॉट भी उसके हिलते हैं बाजू में भी, यानी बात कुछ चल रही है सामने। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि बोल क्या रहा है बट सुना ही नहीं देता है। बहुत डिटेल में समझने से एक चीज तो मालूम पड़ गई कि देने की बात तो नहीं होगी, होगी तो कौन सी बात, क्योंकि देने के लिए तो ऑफिशियल डब्बा रखा होता है और हम लोग भी स्मार्ट लोग हैं, हम भी क्या करते हैं 100 रुपया रख देते और बोलते भगवान ऐसा ही पी चल रहा है थोड़ा संभाल लेना। फिर हमने बहुत सर्वे लगाया तो फिर बात क्या चलती है। सर हमने जब सर्वे लगाया तब इंडिया में 130 करोड़ विच एवर रिलीजियस वी बिलीव एक ही चीज मांगता है कि भगवान जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि देना, ये 3 चीज मांगते हैं। हम लोग ये छोड़ के कभी भी कुछ नहीं मांगते, हमारी जिंदगी में सिर्फ 3 वर्ड है, सुख शांति और समृद्धि। सुख और शांति मुझे समझ में आ गया, मुझे समृद्धि समझ में नहीं आया। जैसे ही मुझे समृद्धि समझ में नहीं आया, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और जो चीज समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए, क्या करनी चाहिए, गूगल। यस, ये यंगस्टर को पूछ लो, ये सही बोलते। जो चीज समझ में नहीं आए क्या करो, गूगल। मैंने समृद्धि का गूगल लगा दिया, जैसे ही समृद्धि का गूगल लगा दिया बाहर आया कि समृद्धि का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मुझे समझ में नहीं आया कि प्रॉस्पेरिटी क्या है, वापिस मैंने जाके क्या कर दिया, गूगल। मैडम जब मैंने प्रॉस्पेरिटी को गूगल में डाल दिया तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब ऐसा आ गया गूगल में कि वेल्थ सक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी सिक्योरिटी कंफर्ट एंड एवरीथिंग। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है मैनेजिंग योर वेल्थ एंड क्रिएटिंग योर वेल्थ। प्रॉस्पेरिटी का समृद्धि का मतलब होता है कि जिंदगी में थोड़े पैसे का रिस्क लेकर बढ़ाने की कोशिश करो और थोड़े पैसे को कुछ पैसे को संभाल के रखो जो जरूरत के टाइम में आपको काम में आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट समृद्धि का मतलब पैसा कमाना नहीं है, समृद्धि का मतलब है कुछ पैसे को जमा करके रखना डेट फंड में या तो आपके बैलेंस एडवांटेज फंड में और कुछ पैसे का रिस्क लेके बढ़ाना इज ऑल अबाउट ए इक्विटी फंड। सर पहली बार मुझे समझ में आया और मेरी आपको सबको सिंसियर रिक्वेस्ट है कि पुणे में कल सुबह अगर मंदिर में जाओ और आइदर विच योर रिलीजियस वी बिलीव, जब भी भगवान के पास जाते हो तो कल सुबह से प्रार्थना में थोड़ा चेंज कर लेना। अगर सुख और शांति चाहिए तो कोई भी मंदिर में जाना, और अगर समृद्धि चाहिए तो फीफा के कोई भी एडवाइजर की ऑफिस में चले जाना, क्योंकि कल तक आप गलत जगह पे समृद्धि मांग रहे थे। ये गूगल के बाद मुझे डेटा मिल गया कि अगर समृद्धि चाहिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए और अगले 15-20-25 साल ये देश में समृद्धि के नाम पर लिखने वाला है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ICICI म्यूचुअल फंड एंड थैंक यू वेरी मच टू आज सुबह भी मैंने मैसेज दिया है कि जो क्लैप करते हो ये देश में आदत बना लो,
ये देश में सिर्फ खुशियां बटने वाली है, ये देश में सिर्फ प्राउड आने वाली है, ये सिर्फ देश की सोच बदल दो। और एक आदमी अगर बदल गया तो 130 करोड़ पक्का बदल जाएगा। कोई भी इलेक्शन में जीते हारे, इंडियन पक्का जीतने वाला है अगले 10 साल में। यही मेरा मैसेज है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू हितेश जी। योर फेथ कैन मूव माउंटेंस एंड योर डाउट कैन क्रिएट देम। एट द सेम टाइम डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। तो आप तो इंडिया पे डाउट मत करो। थैंक यू फॉर सिंप्लीफाइंग द कंसेप्ट सो वेल हितेश जी। May I now request PIFAA President Mr. Dhairyashil Patil and Secretary PIFAA Uddhav Tulshi Bagwale to felicitate Mr. Hitesh Mali. The PIFAA core team is keen to continue with this series of smart money seminars. We will be back after a few months gap. We will ensure you are informed about our future events as well. Shubhratri, good night. Do take very good care of yourself and your money. Happy investing. Thank you. Doubt mat karna.